छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़े अभियानों में से एक में सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार को बस्तर क्षेत्र में 36 नक्सलियों को मार गिराया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जवानों को मिली ये बड़ी कामयाबी सराहनीय है, उनके हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूँ। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी। इसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सचिन में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूं कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहां पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। माननीय अमित शाह जी 9 महीने में 2 बार नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए।